हमारे पीसीएम प्लस इंग्लिश प्लस कंप्यूटर, ये एक स्टूडेंट है, इसका नाम है सरकार। शंकर है या सरकार, इसका नाम है सरकार। सरकार है स्टूडेंट का नाम। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जब नॉर्म्स पढ़े, उसने कहा भाई लैंग्वेज कंपलसरी है, क्लास 12th के सब्जेक्ट्स ही मुझे डोमेन में देने हैं, तो अब उसको क्या सब्जेक्ट चूज करने चाहिए और उसको अपने सीवीटी के फॉर्म्स के अंदर क्या क्या भरना चाहिए। अब मैं वो बात शुरू कर रहा हूं। अब सरकार जो पीसीएम प्लस इंग्लिश का स्टूडेंट है, उसको वन लैंग्वेज लेनी है। वन लैंग्वेज 33 लैंग्वेजेस में से कोई भी ले सकता है, 33 लैंग्वेजेस में से कोई भी ले सकता है। अच्छा, स्टूडेंट यहां पे मेरे से पूछते हैं सर 33 लैंग्वेजेस में से सर वन के बजाय मैं टू लैंग्वेजेस ले सकता हूं, तो उसका आंसर है यस, आप टू भी ले सकते हो, आप थ्री भी ले सकते हो, एट मैक्सिमम सीवीटी के अंदर आप थ्री लैंग्वेजेस ले सकते हो। एटलीस्ट यहां पे लिख देता हूं, एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो लेनी ही लेनी है, एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो आपको लेनी ही लेनी है, एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो आपको लेनी लेनी है। प्लस आप दो भी ले सकते हो लैंग्वेजेस। मान लेते हैं अभी के लिए स्टूडेंट ने वन लैंग्वेज ले ली, 33 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज ले ली, इसने ले ली इंग्लिश। आप हिंदी भी ले सकते हो, मराठी, कोंकणी, पंजाबी, कुछ भी ले सकते हो। प्लस आपको डोमेन में, आप पीसीएम स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, आपको डोमेन में क्या देना है ध्यान से समझो, आपको डोमेन में क्या देना है, आपको डोमेन के अंदर फिजिक्स, मेरे हिसाब से आपको डोमेन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, ये मैं पीसीएम के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ये आपको देनी है। प्लस अगर आपके पास कोई फिफ्थ सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी आप दे देना। यहाँ पे मैं फिफ्थ सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप आईपी लिख देता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ईपी, आईपी मतलब इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, जो भी है वो आप दे देना। उससे क्या होगा, आपका बेस्ट चूज कर लिया जाएगा बीए के कोर्सेस के अंदर। अभी के लिए जो मैं बोल रहा हूं उसको बस समझो और उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करो। प्लस वन आपको जनरल टेस्ट तो देना ही देना है, प्लस वन आपको जनरल टेस्ट देना है। वन लैंग्वेज दे दी, पीसीएम, एंटरप्रेन्योरशिप, आईपी, जो भी आपके पास फिफ्थ सब्जेक्ट है वो आप चूज कर लेना, वो दे देना, और यहां पे एक जनरल टेस्ट आपको देना ही देना है। ये जब आप कॉम्बिनेशन पीसीएम वालों चूज कर लोगे, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर कौन कौन से कोर्सेज भरने हैं, अब उसकी मैं आपके पास लिस्ट लेके आ रहा हूं। ये पीसीएम के स्टूडेंट की मैंने बात कर दी, ये बात सबको समझ आई है नहीं है पहले। इसके बाद अब मैं यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम में आपको कैसे क्या सिलेक्ट करना है उसके बारे में बात करूं या ना करूं, यस और नो। पीसीबी वालों की बात मैं करूंगा अभी, पीसीबी वालों की अभी मैं बात करूंगा। सरकार ये समझ आया, इसके बाद मैं बता रहा हूं, इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको चूज क्या करना है। अब मैं ये वाला कॉलम भरने जा रहा हूं, जल्दी बताओ यस और नो, समझ आया नहीं आया। फिजिकल एजुकेशन अगर आपके पास है तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल एजुकेशन अगर आपके पास है तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये कॉलम भरने जा रहा हूं आपके सीवीटी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, ये वाला कॉलम, यस और नो, यस और नो, ये वाला कॉलम भरने शुरू करें पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए। यस, तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर ये प्रोग्राम आपको कौन कौन से करने हैं, इसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर प्रोग्राम आपको कौन कौन से चूज करने हैं, अब वो मैं लिस्ट आपके पास देने जा रहा हूं। उस लिस्ट को अपने पास लिख लेना और टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ये लिस्ट आपके साथ फॉरवर्ड और शेयर भी कर दूंगा। तो मैं वो लिस्ट अब बताने जा रहा हूं आपको, ये रही वो लिस्ट, ये रही लिस्ट। वन लैंग्वेज, पीसीएम प्लस कोई फिफ्थ सब्जेक्ट आपका होगा, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, लीगल स्टडीज, सिमिलरली किसी के पास फिजिकल एजुकेशन भी होता है वो ले ले, वो कोई स्टूडेंट ले सकता है। प्लस एक जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको क्या क्या कोर्सेज भरने हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, उसको मैं टिक करने जा रहा हूं। बीए अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू। ये मत समझना सर ये क्या बात बोल रहे हो, हमें ये नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूं वैसे फॉर्म भरते रहो, ये सब भरना है आपको, ये सब आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कोर्सेज के अंदर मिल जाएगी लिस्ट, और सीवीटी के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो मैंने अभी आपको पोर्टल दिखाया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करना, वहां पर प्रोग्राम इन सबको भर देना।
भरते रहो भरते रहो भरते रहो। तुम बोलोगे सर मैंने तो डोमेन में पीसीएम लिया है, क्या मैं एलिजिबल हूं? यस, आप इन सब में भी एलिजिबल हो। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एलिजिबल हो, साइकोलॉजी ऑनर्स में एलिजिबल हो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये नहीं बोलती अगर आपको साइकोलॉजी ऑनर्स करनी है तो आपको साइकोलॉजी डोमेन में लेनी लेनी पड़ेगी। ज्योग्राफी, हिंदी, पत्रकारिता, हिस्ट्री ऑनर्स, बीएएचएसएस, जर्नलिज्म ऑनर्स, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जर्नलिज्म, ये नहीं भर सकते, बस बी ऑनर्स छोड़ देना, बाकी सब भर देना। फिलोसफी सब सब टिक है, सब टिक सब टिक। जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ वो करना है और आपको अभी के अभी सेशन को 200 प्लस लाइक्स पे पहुंचाना है। कॉमर्स एंड मैथ्स का रोहन मित्तल मैं अभी बताऊंगा, अभी मैं पीसीएम के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। सब भर देना, ये कहां भरना है भैया, ये जो आप टिक लगा रहे हो भरने का है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये जो मैं टिक लगा रहा हूं ये आपको भरने का है। मैं भी कोर्सेज की लिस्ट खत्म नहीं हुई, अभी बताऊंगा और कोर्सेज की लिस्ट कहां है, वो आपको यहां भरने है। जैसे मैंने क्या किया, रिमूव करता हूं सबको, इस लिस्ट को एक बार रिमूव करता हूं। ये देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे गया, मैंने क्या किया, जर्नलिज्म ऑनर्स भर दो, ऐड, सॉरी ये रिमूव कर दो। जर्नलिज्म ऑनर्स पे मैंने क्लिक किया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जर्नलिज्म ऑनर्स ऐड, मेरा एक कोर्स यहां पे ऐड हो गया, मेरा एक कोर्स यहां पे ऐड हो गया। फिर सेकंड पे आ गए, थोड़ा नीचे चलते हैं। मैंने क्या बोला, इंग्लिश ऑनर्स ऐड कर दिया। मैंने क्या बोला, हिंदी ऑनर्स ऐड कर दिया। मैंने क्या बोला, पंजाबी ऑनर्स ऐड कर दो। मैंने क्या बोला, बंगाली ऑनर्स ऐड कर दो। मैंने क्या बोला, उर्दू ऑनर्स, मैंने कहा ऐड कर दो। मैंने कहा संस्कृत ऑनर्स, मैंने कहा संस्कृत ऑनर्स ऐड कर दो। मैंने कहा अरेबिक ऑनर्स ऐड कर दो, संस्कृत ऑनर्स हमने ऐड कर दिया था, अरेबिक ऐड, फ्रेंच ऐड, पर्शियन ऐड। इन सब को तुम ऐसे ऐड करते चलना, इन सब को तुम ऐसे ऐड करते चलना। आई एम श्योर तुम्हें दिखना यहां पे शुरू हो गया है। प्लीज यार ध्यान से समझो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पर्शियन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अरेबिक, ऐड करते चलना जब तक मैं ना बोलूं कि भाई रुक जा, अब ऐड करते चलना। जो मैंने तुम्हें बताया ना, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सब ऐड कर देना। कोई पैसे नहीं लग रहे तुम्हारे एक्स्ट्रा। सिमिलरली नीचे आ जाओ, इटालियन, स्पेनिश, सब ऐड कर देना। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम ऐड कर देना, इसकी मैं भी लिस्ट बता रहा हूं अभी तुम्हारे पास। स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स ऐड कर देना। ये सिर्फ पीसीएम के स्टूडेंट्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। फिर बीए के कोर्सेज पे आओ एक बार, फिर बीए के अप्लाइड साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, बीवॉक, ये सब ऐड कर देना। बीए, बीवॉक सब ऐड कर देना। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीएमएस, बीबीए, बीबीई, बीबीए, एफआईए, प्रोफेशनल कोर्सेज सब ऐड कर देना, बीटेक ऐड कर देना। बट कंडीशन ये है, भरना वही पड़ेगा सीवीटी के अंदर जो मैं बता रहा हूं। अगर तुम बोलो नहीं सर मैं फिजिक्स नहीं दे रहा, तो यार मेरे को फिर एक अलग से लिस्ट बनानी पड़ेगी तुम्हारे लिए। अगर तुम बोलोगे नहीं सर मैं जर्नलिज्म नहीं दे रहा, मैं आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बताने आया हूं जिसके अंदर आपकी कम से कम मेहनत होगी। भाई क्लास 12 के सब्जेक्ट्स तो पढ़े ही है तुमने, तो डोमेन की जगह तीन तो तुम्हें डोमेन देने ही देने, तीन की जगह चार दे दो। जनरल टेस्ट की तैयारी अगर तुमने नहीं स्टार्ट करी तो तैयारी मेरे साथ स्टार्ट करो रोशन बैच के अंदर। सिमिलरली लैंग्वेज आपकी तैयारी मैं करवा रहा हूं रोशन बैच के अंदर, आपको देने ही देने हैं। लैंग्वेज तो कंपलसरी है, जनरल टेस्ट भले ही कंपलसरी ना हो, लैंग्वेज तो कंपलसरी है। ये सारे कोर्सेज आपको भरने हैं कौन से पोर्टल पे, जो मैंने अभी पोर्टल आपको दिखाया है सीबीटी के एप्लीकेशन फॉर्म पे, जो थर्ड स्टेप आपका आता है जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना होता है। बता रहा हूं ह्यूमैनिटीज के लिए, बता रहा हूं आर्ट्स के लिए, बता रहा हूं अभी। भाई ये बात सबको समझ आई, अभी पीसीएम वालों की लिस्ट खत्म नहीं हुई, अब सुनो आगे क्या होगा। पीसीएम वालों की लिस्ट खत्म नहीं हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या भरना है यहां पे समझो। एंथ्रोपोलॉजी, पीसीएम वालों की बात कर रहा हूं, पीसीबी वालों की नहीं, पीसीएम वालों की, इन सब में आप एलिजिबल नहीं हो। यहां पे कटा लगा देता हूं, एलिजिबल नहीं हो। फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हो। जिस कोर्सेज के अंदर बायोलॉजी रिक्वायर्ड है वो भरने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें आप एलिजिबल ही नहीं हो। इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलीमर साइंस कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, यस। एनवायरमेंटल साइंस, मेरे ख्याल से इसमें बायोलॉजी रिक्वायर्ड है, एक बार इसको देख लेना। जियोलॉजी में भी मेरे ख्याल से बायोलॉजी रिक्वायर्ड है, स्टैटिस्टिक्स दे देना। होम साइंस में मेरे ख्याल से बायोलॉजी रिक्वायर्ड है, जियोलॉजी अगर बायोलॉजी रिक्वायर्ड नहीं होगी तो दे देना। बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोलॉजी रिक्वायर्ड है, जियोलॉजी में पीसीबी रिक्वायर्ड है, बायोकेमिस्ट्री दे सकते हो, फिजिक्स भर देना, कंप्यूटर साइंस भर देना, इंस्ट्रूमेंटेशन भर देना, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर मेरे ख्याल से बायोलॉजी रिक्वायर्ड है, मैथमेटिक्स भर देना, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अगेन बायोलॉजी रिक्वायर्ड है, और बीटेक भर देना। ये बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं जो आपको भरने ही भरने हैं, बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज जो आपको भरने ही भरने हैं। पीसीएम के अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आगे मूव ऑन करें। बीएससी पास में होम साइंस के अलावा सब भर देना। मेरे ख्याल से बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस सिर्फ पीसीबी वाले कर सकते हैं। और यार प्रॉब्लम क्या है चेक कर लेते हैं ना।
लाइफ साइंसेस की एक बार मैं आपको बताऊं, लाइफ साइंसेस की अगेन आपको एलिजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो यहां पे जाके आपको चेक हो जाएगी। लाइफ साइंसेस बीएससी लाइफ साइंसेस के अंदर देखते हैं क्या होता है। बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेस के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे मैं गया, बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेस, बीएससी ऑनर्स ऑनर्स ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स। तो जहां जहां पीसीएम है वहां तुम्हें दे देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कंप्यूटर साइंस, अगेन यहां पे तुमने क्या लिया, लैंग्वेज ले ली, मैथमेटिक्स ले ली और फिजिक्स केमिस्ट्री ले ली, तो तुम इसमें एलिजिबल हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स में तुम एलिजिबल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में तुम एलिजिबल हो, एनवायरमेंटल साइंसेज में अगेन एनवायरमेंटल साइंसेज भी भर सकते हो, पीसीएम के स्टूडेंट्स भर सकते हैं इसको, फूड टेक्नोलॉजी भी भर सकते हो, मेरे हिसाब से बायोलॉजी रिक्वायर्ड थी बट यहाँ पे इन्होंने तो पीसीएम या पीसीबी में से कोई भी आप ले सकते हो। फूड टेक्नोलॉजी भर देना, जियोलॉजी भर देना, पीसीएम रिक्वायर्ड है भर देना, जियोलॉजी भी, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी भर देना, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी भर देना। आगे मूव ऑन करें, माइक्रोबायोलॉजी पीसीबी जरूरत है, बीएससी होम साइंस अगेन आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायो जरूरत है, होम साइंस नहीं भर सकते, बीएससी पास होम साइंस भर सकते हो। बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेज देख रहा था ना, लाइफ साइंसेज के अंदर मेरे को बताया था मैंने आपको, बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड लाइफ साइंसेज और लाइफ साइंसेज के अंदर बायोलॉजी जरूरत है, इसलिए पीसीएम के स्टूडेंट नहीं भर सकते। ये मैं तुम्हारा काम, ये जो तुम्हें करना चाहिए तुम्हारा काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूं अप्लाइड साइंसेज और लाइफ साइंसेज पीसीएम वाले नहीं कर सकते, इसको काटा लगा देना। वो कोर्सेज जिसमें बायोलॉजी रिक्वायर्ड है पीसीएम वाले स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली उससे रिजेक्ट हो जाएंगे, होम साइंस नहीं कर सकते, बाकी सब यहां पे हम कर सकते हैं। ये टिक लगा लिया सबने, फिर बीएससी फिजिकल एजुकेशन इस पे भी टिक लगा देना, ये जो लास्ट कोर्स आपको दिख रहा है, ये जो लास्ट कोर्स आपको दिख रहा है इस पे भी टिक लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पे टिक लगा दिया भाई। सबके पास ये लिस्ट आ गई या नहीं आ गई, सबके पास ये लिस्ट आ गई या नहीं आ गई, आगे मूव ऑन करें। बहुत बढ़िया, अब बोलेगा सर पीसीएम का स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम कर सकता है नहीं कर सकता, कर सकता है, बीकॉम ऑनर्स पे टिक, बीकॉम प्रोग्राम पे टिक। ये तीनों मैंने आपको क्या बताया, एक लैंग्वेज दे दो, एक जनरल टेस्ट दे दो, एक मैथमेटिक्स दे दो, आप बीएमएस बीबीए एफआईए और बीबीई इंडिया के नंबर वन प्रोफेशनल कोर्सेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज इंडिया का नंबर वन, एशिया का नंबर वन बीएमएस का कॉलेज है, टिक लगा दो भाई सब पे, सब पे टिक लगा दो। आगे मूव ऑन करें, बीवॉक सब पे टिक लगा दो, पीसीएम वालों सब पे टिक लगा दो, तुम्हें सब करना है, तुम्हें सीवीटी के फॉर्म में सब के अंदर टिक लगा देना है। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, सीवीटी के फॉर्म के अंदर बीवॉक के हर एक कोर्स के अंदर सबके अंदर टिक लगा देना है, ठीक है जी, बस बात खत्म। फिर बीए ऑनर्स म्यूजिक, अगेन बीए ऑनर्स के कोर्सेज है सब पे टिक लगा दो, बीएससी तुम बोलोगे सर ये करना नहीं है, टिक लगा दो, चूज कर लो, कोई पैसे नहीं लग रहे तुम्हारे एक्स्ट्रा, लगा दो। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यार ये तो फोटो ही अलग होता है स्टूडेंट्स का, ये तो स्टूडेंट सिर्फ होते ही वो हैं जो सिर्फ बीएलएड की तरफ जा रहे हो, तो आई एम श्योर वो ये तुम डिसीजन अपने ऊपर ले सकते हो, अदरवाइज जो मैंने तुम्हें टिक करने के लिए बोला है ये तुम टिक भी कर सकते हो, तुम छोड़ भी सकते हो इसको, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली जो मैंने तुम्हें टिक लगाने के लिए बोला है, जो तुम्हें मैंने चूज करने के लिए बोला है तुम्हारे सीवीटी के एप्लीकेशन फॉर्म में, ये सब कर देना। अब नेक्स्ट पीसीएम की बात हो गई, किसकी बात करनी है नेक्स्ट, जल्दी बताओ।